ये देखिए रासबी गौशाला के अंदर ये रेड स्नेक निकला है जिसको रेस्क्यू करने के लिए आए हम, और ये बहुत ही खतरनाक है और इसने अभी 2-3 चूहे भी खा रखे हैं। ये रासबी गौशाला है और ये गौशाला के संचालक है, यहाँ पे देख रेख करते हैं। क्या नाम बात साहब का? रोशनलाल जी है। ये पुटवाड़िया रहते हैं और ये भी गायों की देख रेख करते हैं, और इन्होंने अभी कॉल किया मेरे कि हमारे गौशाला के अंदर एक सांप आ गया है, तो अब मैं इसको रेस्क्यू करने के लिए आया। ये देखिए इसकी लंबाई होगी लगभग 5 से 6 फीट। देखो इसकी स्पीड देखिए कितनी ज़ोरदार स्पीड है। और ऐसे सांपों को आप मारे नहीं, और बहुत ही सीधे सरल स्वभाव के सांप होते हैं, ये कभी नहीं काटते, बहुत ही गैर चांस में काटते हैं। इसको बोलते हैं रेड स्नेक, और इसकी लंबी होगी लगभग 6.5 फीट, और इसके अंदर दांत होते हैं कम से कम 100 से 150, और ये नॉन पॉइजनस होते हैं, इनके अंदर जहर नहीं होता है, और ये बहुत ही कम चांस में काटते हैं, जब इनको गुस्सा आ जाता है तब काटते हैं। ये देखिए इसने अभी तक अभी चूहे खा रखे 2-3, और हम अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर किसी के घर या मकान घर पे या कहीं पे भी अगर सांप गोयरा बिच्छू कोई सा भी जेला जानवर आ जाता है तो हमारे से हमारे को कॉल करके बुलाएं। हमारे नंबर है 9610004229। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद। ये अभी गुस्से में आ गया है, अभी ये काटने के मूड में है, अभी सांप को गुस्सा आ गया तो अभी काटने के मूड में है। ये रेड स्नेक। ओके।